কাল বিধা দিবেন সমরল চেত কিরো সবার কঠে আপ সবই শূরবীরোঁ কে হাত উঠ জায়েঙ্গে জো কায়র হোঁগে বো নিচে রখনা হাত মাজড় থারো বো ফুট কঠে ও এক মাতায় মেনে ঝাঁসি কি রানী শক্তি কে রূপ মে ঝাঁসি কি রানী লক্ষ্মীবাঈ কে রূপ মে বেঠি হ্যায় হাত খোল কে একবার মাজড় থারো বো ফুট কঠে ও এক লিঙ্গ দিবান কঠে মহারাণা প্রতাপ কঠে হলদী ঘাটি মে সমর লড়ো হলদী ঘাটি মে সমর লড়ো ও চেতক রোমস বার কঠে মাজড় থারো ও ভূত কঠে এক লিঙ্গ দিবান মহারাণা প্রতাপ কঠে जायो नहीं थारो रणधीरा वे सरदार बना यानी कुंभलगढ़ के कवि माधव दर्ग लिखते हैं कि थन पान लजायो नहीं थारो यानी मारो दूध नहीं लजायो रणधीरा वे सरदार बना और दुश्मन लोगों के सामने बेरारे मन सो झुक्यो नहीं नर ना हरियो झुक्यो नहीं नर ना हरियो झुक्यो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना रे आगे हिंदुआ सूरज में बाण रतन वो महाराणा प्रताप कथे उदावतों की भागल के सभी शूरवीरों के साथ दो पंक्तियां गाना चाहता हूं कायर हाथ नीचे होंगे शूरवीरता का भाव वाले हाथ उड़ जाएंगे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे बोलना वो महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो बहुत सुंदर कहा हल्दी घाटी बहुत करीब है चेतक के लिए पूरा विश्व हल्दी घाटी को जानता है लता जी ने गाया क्या गाया
मुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज उनकिया। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, हल्दी घाटी रे टीला सो शिव पार्वती युद्ध देख रया, और मेवाटी भी नारी ताकत, मेवाड़ी भी नारी ताकत अपनी नजरा सो तोल रया, मेवाड़ी वीरारी ताकत अपनी नजरा सो तोल रया। कौन? शंकर भगवान, क्योंकि महाराणा प्रताप भोलेनाथ के भक्त थे, तो भक्ति तो बड़ा लड़ाई लड़े तो भगवान तो देखेगा ही ना। लेकिन अभी भोलेनाथ देख रहे हैं कि मेवाड़ की जनता अलग अलग रंगों में रंगी हुई है, तो बोलिया शिव जी सुन पार्वती मेवाड़ भोमड़ी बलिहारी। आप लोगों के लिए क्या लिखा गया है? जो हाचा कर्म करे जग में बे अठे जन्म ले नर नारी। हाचा कर्म करने वाले लोग हो ताली तो बजा दो। मो स्वयं एक लिंग रूप धरो सदियों सुबे तो भला अठे। जी आज देशरी सीमा पर संकट रा बात मंडरा, अरे पाकिस्तानी घुस पे क्या, ये पाकिस्तानी घुस पे क्या, भारत सीमा में घुस आया। अब आप लोग पाकिस्तान का विषय भूल जाओ। जिस दिन से अभिनंदन ने करिश्मा किया है पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ गया कि हम ऐसी गुस्ताखी करेंगे तो आता जुड़ी और करनी पड़ेगी, फेर और पढ़ना पड़ेगा। पुलवामा के हमले के बाद इस नए भारत की शक्ति को पूरे विश्व ने देखा है। तो मेरे साथ में बोल दो, भारत रावीर दबाना थी डाने ओ सब को सिखा दी जो, थी हो प्रताप का ही वंशज जाने आबा को बता दी जो। अब मेरे साथ सभी लोग बोल देना एक बार, यो कश्मीर भारत को है कश्मीर। मुझे बहुत निराशा होती है कि पुलवामा में जो अभी शहीद हुए उनके भी घर में मां बेटी तो थी ना, उनकी भी मां इंतजार कर रही थी, उनकी भी पत्नी राह देख रही थी कि मेरा पति आएगा मेरा पिया आएगा। हम बोल भी नहीं सकते, शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। और वो लोग लड़ने के लिए रात भर खड़े इसलिए हैं कि उदावतों की भागल उदयपुर के लोग यहां बैठकर भजन करें, आराम से नाचे को गाएं, मैं शहीद हो जाऊं, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, ये भावे। महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत 57 वर्ष तक अकबर की गुलामी को नहीं माना, और आज भी हम यही कह रहे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं, देश नहीं। मुट्ठियों को उठाकर कश्मीर का बोलो, यो कश्मीर भारत को है कश्मीर, यो कश्मीर। बेटियां बोलेंगी यो कश्मीर, कौन आप इनके आवाज सुनो पहले, यो कश्मीर, जोर से बोलो, यो कश्मीर, कौन आंख दिखावे आज अठे। मायड़ थारो वो